मुद्दों पर हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। सबसे पहले नियोजन का मुद्दा था जिसमें मुख्यमंत्री जी का बयान आना है, तो टैक्टिक्स के तहत लगता है मुख्यमंत्री जी अंतिम दिन बयान देंगे ताकि हम लोग उसका कुछ काम नहीं कर सके। अभी रामनवमी के विषय में आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग पहले दिन से सदन को इन्फॉर्म कर रहे हैं, मैंने किया, अनंत सदस्यों ने किया, बहुत नवीन जायसवाल जी ने किया, चंद्रवंशी जी ने किया, ओझा जी ने किया, नीरा यादव, डॉक्टर नीरा यादव जी ने किया, और आज आप देख रहे हो कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा विपक्ष एक साथ खेल करके डिमांड कर रहा था कि भाई क्या हम लोग तालिबान में रह रहे हैं, क्या तालिबानी शासन में रह रहे हैं। 5000 लोगों पर आपने 107 किया। 107 का जो कॉन्सेप्ट है कि जिनसे सरकार को खतरा रहता है कि कोई किसी त्यौहार में, किसी ओकेजन में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, उन पर 107 किया जाता है। ऐसे ऐसे लोगों पर 107 किया गया है जो नौकरी पेशा है, जो बच्चे हैं, जो 70 साल के बूढ़े हैं, जो टीचर हैं, और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो ये आप केवल डराने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पूछा कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं, को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते। तो आप सिर्फ सरकार को बिल्कुल, जब आप सरकार से जवाब अगर आप नहीं दिलवा रहे इतने ये मुद्दे पर, जबकि बार बार अगर पूरा विपक्ष एक होकर के भी किसी बात को अगर बोल रहा है और आप उस पर भी जवाब अगर सरकार का नहीं दिलवा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दो चीज एकदम स्पष्ट दिख रहा है हम लोगों को, एक तो राम के नाम पर कांग्रेस का वोट तमाम करने का काम भी जेएमएम कर रही है, ये भी चल रहा है, और साथ ही साथ हम लोगों का विरोध करके एक तबके को खुश करने का प्रयास ये सरकार कर रही है, ये दिख रहा है, ये एकदम साफ है, स्पष्ट दिख रहा है हम लोगों को। तो क्या हम लोग मूक दर्शक बन करके बैठे रहेंगे? ये करोड़ों हिंदुओं का केवल यहाँ इस राज्य में नहीं, पूरे देश में करोड़ों हिंदुओं का विषय है। अब तो कुर्ता भी फाड़ लिया, काक भी लगा, डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा? देखिए, ये आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं ये मेरे लिए बहुत गंभीर विषय है। कुर्ता फाड़ना कोई हमारा शौक नहीं है, ये एक लाचारी, एक मजबूरी है, एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है, और अंतिम दिन तक ये प्रोटेस्ट चलते रहेगा जब तक कि हिंदुओं का सम्मान और राइट और वो जो पहचान है हजारीबाग की रामनवमी की, वो नहीं मिलती। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।